और कुछ बताना चाहोगे? जो भी बताओगे रीजन होगी ना So you just give me an answer so that I will start the discussion, okay? Yamaguchi is history only. Yamaguchi is history. Yamaguchi is history. So pretty hyper is Loffler syndrome. Okay. So this is a typical echo of Loffler syndrome. Sir, description बताएं कैसे लिखें? ठीक है. Description वही है जो दानिश ने बोली. ठीक हो गया. The catching point is ये जो टेक्सचर है ना ये टेक्सचर आपको किसी और चीज में नहीं मिलता द डिफरेंशियल इज ब्यूरो थ्रोम्बस क्या ये थ्रोम्बस क्यों नहीं हो सकता यहां पे ठीक है बोलेंगे एको आप नहीं बता सकते इन्फ्लेमेटरी है कि नहीं एको में आप एको की लैंग्वेज में बात करेंगे ना ठीक है वो आपको मैकेनिज्म बता रहे होते हैं कि ये बना क्यों है Why not this is a neurothrombus? Because kinetic होगी अगर नहीं है। Yes, क्योंकि region of motion abnormality नहीं है कोई। तो जहाँ पे region of motion abnormality नहीं है, वहाँ पे thrombus कैसे बन सकता है? Possible नहीं है। ये ऐसे करेंगे। ठीक है जी। Next. Rupture sinus obelson. जी नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंडिंग द माइट्रल लीफलेट टीम यू सिंगल लीफलेट जो है माइट्रल की मूवमेंट कर रही है एक व्यू में इसकी बारी उसको बताना दानिश से बात करो दो व्यूज आ रहे हैं आप दोनों के नाम दो व्यूज दिखाए इन्होंने तो आप दोनों व्यूज लिखते हैं जो भी आपको समझ कहीं लोगों के नंबर नहीं कटेंगे बट मेक इट अ हैबिट मुझे लिंकिंग और समझ नहीं आता क्या कह रहे हैं दोबारा से एक बार बता दो ठीक है दोनों
सर ये एक ही पेशेंट के अलग अलग पेशेंट दोनों लीफलेट की मोबिलिटी इस वाले में रिस्ट्रिक्टेड है ठीक है सो यू हैव अ पैरावैल्वुलर एंड वैल्वुलर प्रोस्थेटिक रिग्रेजिकेशन और क्यों होगा रिवर्स वहाँ पे रेजिस्ट्रेशन हो सकती है थ्रोम्बस ठीक है तो इसमें तो कोई शक नहीं कि वॉल्व बिल्कुल नॉर्मली मूव करे वॉल्व के साथ कोई मसला नहीं लेकिन जहाँ पे जो रिम है वाल्व का जो अटैच होता है वहाँ पे कोई मसला है व्हाट इज दिस दुनिया में ये तो पता नहीं कि वो टैबलेट सही ले रहा था एंटीवाइब्रेशन सही थी या नहीं सो दीज आर ऑल दी फाइंडिंग्स और अगर वो फीवर कहेगा तो आप रजिस्ट्रेशन बना देंगे अगर फीवर नहीं कहेगा तो आप सर्जन पर डाल देंगे सी ए भी लगाया था ठीक है जी पूछूंगा फिर mitral stenosis okay actually this is not mitral stenosis it is mitral valve prolapse This is not mitral valve prolapse either. What I want to show you is this. We have two leaflets. और यहाँ से कॉर्डिंग कर रहे हैं सब जाकर एक पेपरेन मसल पे अटैच हो रहे हैं जो कि यूजली नहीं होता ना सो वेन यू हैव अ सिंगल पेपरेन मसल और दोनों अटैच हो इस पैथोलॉजी को कहते हैं पैराशूट डॉक्टर सदर आप बताएं क्या सर ये पीडीएफ हां जी नेक्स्ट नॉन कॉम्प्लेक्शन शॉर्ट एक्सरसाइज इसमें की बात है हैं अल्लाह का बड़ा करना है ना किस्मत की बात है अल्लाह की तरह में बड़ा मुझे जी बताइए Thank you.
वॉशरी सब माल दिखा रखा है वो भी इन एवरीथिंग आई जस्ट टू कर दैट ब्लू चांद तेरे के जो बोल लो ये तो मुझे पता है तो करवाई नहीं ये बहुत ज्यादा सिंगल वेंट्रिकल है So there is no valve. There is no opening in the and there is communication between. What is the structure? And there is a membrane in the LA. There is membrane in the LA. Yeah. बताता हूँ मैं. जी. अच्छा. You know the diagnosis. This is tricuspid atresia. ठीक है ना? अब उलट आ. अगर एक patient को tricuspid atresia है, आप क्या expect करते हो उसमें क्या क्या होगा? एक typical case है. अगर आपको ऊपर मिल रहा है तो ठीक है नहीं मिल रहा तो ये सिंगल वेंट्रिकल हो गया और ये जो लाइन लगी है सारी की सारी इसको क्या लिखोगे इसकी भी कोई अच्छा वर्ड देखो सर ये तो मूव कर रहा है बट इसकी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है एक्चुअली खुद मैंने मुझे भी इसको याद नहीं आ रहा इसका एक्चुअल वर्ड था इसके लिए यूज करते हैं क्या क्या लिख रहे हैं तो बाहर दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ ट्राइकस्पिड एट्रेसिया के एग्जाम में एक बार नहीं दो दफा आ चुका है और इसकी एसोसिएशन आपको पता होनी चाहिए उसकी फाइंडिंग का बट एवर आई एम शोइंग यू मिक्सोमा नेक्स्ट मिक्सोमा ओह माय गॉड अल्लाह का बड़ा करम क्वेश्चन इज नेम द जीन जीन नॉर्म सर प्रकारियो 1 पी आर मेहरबानी है सर पी आर के ए आर 1 माय रिपीट कर दो बताया बताया सही बात है सर पर पी आर ए आर ए सर पी आर के ए आर ए 1 ओके जो भी है याद कर लिबर्टी एसोसिएशन इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं पहचानने पे तो आपके मार्क्स सबसे मिनिमम मार्क्स आपके पहचानने के डायग्नोसिस के इस स्टेशन के और ये जो सवाल आप पूछ रहे हो ये पूछे जा चुके हैं और इसी के सबसे ज्यादा नंबर होंगे एक या दो नंबर होगा सिर्फ टाइम नेम सिंड्रोम क्या है लैम सिंड्रोम क्या है एसोसिएशन क्या है जीन्स कौन सा नॉट है इनका जो पैटर्न है आगे जनरेशन में जाने का वो क्या है इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या है नेक्स्ट ये हर बंदा सोचता है यू आर राइट कि यार यहाँ पे कुछ है Yes, this is my typical bilateral mitral valve problem. ये देखो यहाँ से लाइन ड्रॉ करो और ये जाते जाओ नीचे ये बॉडी पीछे की तरफ जा रही है क्योंकि नॉर्मली नहीं जानी चाहिए और इसकी जो टिप है वो वहीं पे है लाइन ऑफ प्रियर अगर इसकी टिप भी पीछे चली जाती तो ये फ्लाई रहेगा दिस इज माइट्रल वॉल्व
products, typical. And sir, why the structure is so much thickened in this interval? Actually, ये लग रहा है कि thickened है. सर, लग रहा है. ये लग रहा है. सर आरबी पे कमेंट करेंगे नहीं करेंगे? सर आरबी पे कमेंट करेंगे नहीं करेंगे? बैठे बैंगल से तो देना है ना? बैंगल से तो देना है ना? हाँ बताओ भाई. सर ये क्या है, इतनी सारी मेम्ब्रेन्स हैं हार्ट में है कि और भी है? हाँ. जी बताइए सर, किसी एक ट्यूब पे रोके तो बताए. ओके, वहाँ पे दो व्यूज तो तीन व्यूज चलाते हैं. सबको एडिट करके मेरा अपना जवाब देते हो कि मैंने ये लिखना है. इन बातों के अलावा कुछ और तो जो अभी तक बताया है, इसके अलावा एक्चुअली शुरू के दो पॉइंट्स हैं, वही इसके मेन पॉइंट्स हैं कि आपको इंटरसेप्टम जो है इंटरसेप्टम जो है वो बहुत ज़्यादा डिवीट हुआ राइट साइड के ऊपर, ठीक है. और आप उसको कैटेगराइज क्या करोगे, लिखोगे क्या? यूजली यहाँ होना चाहिए बट दिस इज गोइंग देयर. और ट्राइकस्ट वैल्व आपको यहाँ पे ऊपर आता और क्लोजर नजर आएगा. आप उसको कन्फ्यूज मत कीजिएगा, ये तो ट्राइकस्ट वॉल्व शायद यहीं से नजर आ रहा है, ठीक है. ये ट्राइकस्ट वैल्व है, ये वेरी गुड किस्म का एनर्जम है. और फिर उन्होंने क्या किया कि उन्हें डॉक्टर डाला क्योंकि इसकी एसोसिएशन है. और उस पर उन्हें कुछ ऐसी चीज़ नहीं मिली. कोई आपको टैबलेट फोन नजर आ रहा है टीम में? नहीं है. तो कोई ESG, कोई BFO, समथिंग. तो ये ओपन कैविटी ऑब्लिकेट है सर, एलवी कैविटी भी ऑब्लिकेट हो रही है, माइट्रल वाल्व भी. पता नहीं क्या होता, ये मेरा भी यही क्वेश्चन है सर. यहाँ पर आपको लग रहा है क्योंकि व्यू ऐसा बना है, अगर आप यहाँ देखें माइट्रल वाल्व कहीं से रहता है, बेहतरीन ओपन हो रहा है. टच तो कर रहा है जाके किसको? अच्छा नहीं, सही सही है सर. ये क्या है? आप अप्रिशिएट कर सकें कि पीछे से कोई जिसको देखने के लिए वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, जहाँ जहाँ जाएगी ना लोग सोचेंगे कि लोगों में खड़ा होगा, ठीक है. थोड़ा कंट्रोल करो कि वीडियो उतने कहाँ कहाँ जाए. चलो
कौन सी चीज आपको समझ आ रही है, बस आप मुझे बताओ। समझ तो ट्रांस है। हां 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 एग्जैक्टली। और बाकी मुझे मेटल बैंड नजर आ रहा है। ओके ओके आगे आगे एलवी कॉन्ट्रास्ट दिया गया ओके समथिंग इन द एलवी व्हिच हैज कॉन्ट्रास्ट दिया गया पहली बात तो ये यस देयर इज अ कॉन्ट्रास्ट कॉन्ट्रास्ट एलवी में ओह माय गॉड ही हैज डन दिस This is typical apical hypertrophic cardiac. हाँ, 10% contrast sir. Okay, no problem. So this is LV focused transthoracic echo. और इसका color उन्होंने change कर दिया है ताकि आप contrast और bright होकर आपको appreciate करने में आसानी हो। और जब आपने bright किया तो आपने क्या देखा कि ये सारे shiny area क्या है contrast है और ये apex तक नहीं पहुंचा, apex यहाँ पे है। और दरमियान में कुछ है जो कि offset कर रहा है contrast को वहाँ पहुँचने तो एक होता है सिस्टोलिक फेज और एक होता है डायस्टोलिक फेज। कैन यू से दिस इज अ हार्ट एलवी सर ऊपर से एलवी ऊपर से सर सो आई एम टेलिंग यू दिस इज हार्ट शेप कैविटी तो उसी बात ध्यान में आनी चाहिए एपिकल हाइपरट्रॉफी का ठीक है। और सर ये बीच में जो दिखा रहे हैं दिस इज ओनली कैविटी जी कैविटी है सारी कंट्रास्ट से भरी हुई है और बाकी ये वॉल्स हैं ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जा रहा है जो एपिक्स में जाते हुए थिक हो जाता है इतना ज़्यादा नेक्स्ट हाँ भाई जवान Do you agree this is subvalvular AS? सर दिख ही नहीं रहा था सर ये मेम्ब्रेन है ये सबियोटिक मेम्ब्रेन है सबियोटिक मेम्ब्रेन है ले लेते हैं यार इसी में ये सबियोटिक मेम्ब्रेन सर सर इसमें सबियोटिक मेम्ब्रेन है सेप्टम के पास व्हाट इज दिस ये तो सबियोटिक मेम्ब्रेन एंड व्हाट इज दिस ओपनिंग एंड क्लोजिंग ये वाल्व है ये वाल्व है अगर ये एओर्टिक वाल्व है तो इसके आगे ये क्या है मेम्ब्रेन सबियोटिक मेम्ब्रेन लग रही है जब पीछे हुक्म था उससे तो सेप्टम हाइपरट्रॉफी पकड़ी थी अब